नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आज पूरे देश में जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है, पूरे भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच हम आपको लगातार बिहार से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बिहार की राजधानी पटना में भी भारत बंद का असर दिखने लगा है। हम बात पटना की सड़कों की कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अब किसानों के साथ साथ मजदूर भी किसानों का समर्थन करने पटना की सड़कों पर उतर गए हैं, राजधानी के सड़कों पर उतर गए हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ साथ अब मजदूर भी ये मान रहे हैं कि कृषि कानून जो लाया गया है वो सरासर गलत है। मजदूरों का कहना है ये कृषि कानून हम नहीं मानते हैं, बल्कि हम इसे काला कानून मानते हैं और इसी के खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारत बंद को सफल बनाना चाहते हैं और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस काला कानून को वापस लिया जाए। इस पूरे मामले पर जो मजदूर है किस तरीके से किसान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। मांग यह है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, लेबर के प्रति 4 कानून ऐसा लाया गया है कि वो लेबर के पक्ष में नहीं है। पहले कानून तो बनाया गया था कि जो मजदूर के पास लेबर कार्ड है वो लेबर मिस्त्री हो, बिल्डिंग मिस्त्री काम करते वक्त उनकी दुर्घटना हो गई है तो केंद्र सरकार के तरफ से मुआवजा था 4 लाख रुपया का, वो नहीं मिल रही है। और जितने श्रम कानून 44 था वो ख़त्म कर दिए, श्रम कानून 44 था उसको ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने। एक कानून ले आए हैं 4, वो हमारे लिए काला कानून है क्योंकि पेमेंट बढ़ नहीं रही है। 12 घंटा काम की बात हो रही है, 12 घंटा काम की बात आप कर रहे हैं, पेमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं। एक तो बेरोजगारी है पूरे देश में, कोरोना काल के मार थी, नोटबंदी के मार है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। अब जो है देश के किसान और मजदूर समझ गए, किसान और मजदूर का माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रही है, भारत बंद है। मजदूर बिहार निर्माण असंगठित श्रमिक मजदूर यूनियन जो लेबर कोड बदल करके 4 जो बनाया है उसको रद्द करे, 3 कृषि कानून ऐसा ही तो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ चुका है। अगर कृषि कानून अगर ये रोक दे जो नया लाया है उसे कुछ राहत मिलेगा। अगर ये कृषि कानून ये फिर से लागू अगर ये कर दिया पूरे देश में तो महंगाई और चरम सीमा पर होगी और पूंजीपतियों का राज पूरा देश पर होगा, यही हम सरकार से मांग। जो 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 600 से अधिक किसान मर चुके हैं और जो 3 कृषि कानून है उसका सिर्फ किसान ही भुक्तभोगी नहीं बनने वाले हैं, उसका पूरा जो मजदूर है, मेहनत कश हैं, जो आम जनता है, जो छात्र नौजवान है, जो छोटे कारोबारी भी हैं, उन पर उसका प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि जो पहले जो आवश्यक वस्तु कानून था उसमें जो है दवाई, आलू, प्याज, चावल, गेहूँ ये सब सारा रखा गया तो महंगाई इतनी ना जमाखोर और कालाबाजारी से बढ़ जाए कि आम जन जिंदा भी नहीं रहते। इसके लिए छापेमारी भी पड़ती थी, कानून का भी सहारा लिया जाता था। उस कानून को मोदी सरकार ने, जो घोर जन विरोधी सरकार है, उसने उसको रद्द कर दिया है और अब छूट है पूंजीपतियों को, कंपनियों को, कि जितना वह माल गोदाम में रखे, जमाखोरी करे, कालाबाजारी को प्रश्रय दे और मुनाफा जम कर। मजदूर के सबसे निचले हिस्से के लोग हैं, उनका यहाँ उपस्थित होना ही कि भाई देश में विकराल समस्या है। और यह फैक्ट्री के मजदूर नहीं है, जो आगे बैंक के मजदूर नहीं है, निर्माण मजदूर जो रोज काम करते हैं अपना काम छोड़कर और देश में जो विकराल समस्या है उसका प्रतिरोध करने, उनका मजदूरी का समस्या है। महीना में आजकल 5 दिन भी काम नहीं मिलता है, 10 दिन भी काम नहीं मिलता है, वह मामला है। और देखते हैं कि कृषि कानून से उन पर असर पड़ेगा और यह बताया जा रहा है कि आपका जीवन और कष्टकर होगा। और श्रम कानून जो यहाँ पर आप देखते हैं कि निर्माण कल्याण बोर्ड है तो जो 44 कानूनों को बदल कर 4 में डाला गया है उसके चलते अब यह कल्याण बोर्ड भी नहीं रह पाएगा। तो जो कार्ड इशू होता था जिसके आधार पर कुछ सहायता राशि कभी कभी, वह भी कभी कभी वर्षा की बूंद की तरह कभी टपकती थी, उसका भी आधार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मजदूरों पर यह भारी आफत तो है ही, 4 लेबर कोड के माध्यम से और किसान के माध्यम से यह देखा जा रहा है कि मजदूरों को अगर किसान एकजुट नहीं हुए तो दोनों पर आफत भारी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मजदूर है वो किसानों के समर्थन में उतर गए हैं। उनका कहना है जो अन्नदाता ही नहीं बल्कि इस कानून से जो आम इंसान है, जो मजदूर है, उनकी भी कमाई कम जाएगी, उनको भी इस चीज का असर झेलना पड़ेगा, उनपे भी
विपत्तियों का कहर टूटेगा, इसलिए हम इस कानून को काला कानून मानते हैं। साथ ही मजदूरों ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं कि कैसे रोजगार में कमी आ गई है, कैसे हमें मजदूरी नहीं दी जाती है, साथ ही तमाम तरह की चीजों को उन्होंने बताया है। लेकिन लगातार जो आज सड़क पर वो उतरे हैं, पटना की सड़कों पर वो नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसानों के समर्थन में उतरे हैं, जो कृषि कानून आया है उसे हम काला कानून मानते हैं। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।